अस्सलामुअलैकुम, आई एम डॉक्टर सारा सफदर। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। अक्सर क्लिनिक के ऊपर ऐसे कपल्स और ऐसी ख्वातीन रिपोर्ट होती हैं जिनका ये कहना होता है कि हमारे 3 से 4 बेटियां हैं पहले और हम अब बेटा पैदा करना चाहते हैं, या कुछ कपल्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास 3 से 4 बेटे होते हैं और वो अब बेटी पैदा करना चाहते हैं। और उनका सवाल यही होता है कि डॉक्टर साहिबा, आप हमें कोई ऐसी दवाई दें, कोई ऐसी खुराक बताएं, कोई ऐसा तरीका कार बताएं जिसके ज़रिए हमारे घर 100% गारंटी के साथ बेटे की पैदाइश या फिर 100% गारंटी के साथ बेटी की पैदाइश हो सके। यहाँ मैं आपको बताऊँ कि जो बेटा होता है वो 46 क्रोमोसोम और XY पैटर्न लेकर पैदा होता है, और जो सेक्स डिटरमिन क्रोमोसोम होता है वो Y होता है। और जब बच्ची की पैदाइश होती है तो वो 46XX क्रोमोसोम लेकर पैदा होती है, और जो उसमें दोनों जो क्रोमोसोम्स का जो पैटर्न होता है बच्ची के अंदर वो XX होता है। तो बेटा या बेटी ये 100% कुदरती तौर पे नेचर यानी अल्लाह ताला डिसाइड करता है कि आपके घर बेटे की पैदाइश होगी या बेटी की पैदाइश होगी। लेकिन यहाँ मैं आपको साइंसी तौर पे बताऊंगी कि क्या साइंटिफिकली मेडिकली ऐसा पॉसिबल है या नहीं। अब मैं यहाँ आपको बताऊं कि कुछ क्लिनिक्स पे ऐसी ख्वातीन रिपोर्ट होती हैं जिनको दाइयों ने कोयले और कपास मुख्तलिफ तरह के कॉटन्स में लपेट के और लंबी लंबी बैम्बो की स्टिक्स यानी लकड़ियाँ जिसके आगे उन्होंने कपड़ा लपेट के और उसमें अजीब से केमिकल्स लगा के कोयले की राख वगैरह डाल के वजाइना के अंदर रखी होती है, और उन ख्वातीन का ये कहना होता है कि जी हमें दाइयों ने ये इलाज दिया है ताकि हमारे यहाँ बेटे की पैदाइश हो सके, और ख्वातीन को उसके साथ सवियर किस्म के पैल्विक इन्फेक्शन्स होते हैं और शदीद किस्म का बुखार होता है और उनका जिस्म बिल्कुल तनूर की तरह जो है वो तप रहा होता है। तो आप इस तरीका से दाइयों की बातों पे बिल्कुल भी अमल ना करें, क्योंकि ये चीज़ें दाइयों की बस की बात नहीं है। यहाँ मैं अब आपको साइंटिफिकली एक तरीका बताऊंगी जिसको हम प्री जेनेटिक सैंपलिंग PGS या प्री जेनेटिक टेस्टिंग कहते हैं। ये ICSI या IVF टेस्ट ट्यूब बेबी का एक तरीकाकार है जिसके जरिए 100% गारंटी के साथ आपके घर बेटे या बेटी की पैदाइश हो सकती है। अब ये तरीका इलाज क्या है, इसमें सबसे पहले जो फीमेल यानी लड़की होती है, जो औरत होती है, उसको कुछ मेडिसिंस और इंजेक्शंस लगाए जाते हैं जिसके ज़रिए उसके जिस्म में काफ़ी सारे अंडे बन जाते हैं, और फिर उसको एक प्रोसीजर के थ्रू खातून को जो है एनेस्थीजिया देकर वो अंडे जो है वो बाहर निकाल लिए जाते हैं। और इसी तरह से जो मेल पार्टनर है उस खातून का यानी हस्बैंड है, उसका सीमन जो है स्पर्म्स बाहर कलेक्ट कर लिए जाते हैं, और उन दोनों को हम बाहर जो डॉक्टर्स हैं वो लैब्स के अंदर टेस्ट ट्यूब में डाल के जो है वो वाया ICSI या IVF के प्रोसीजर के तहत जो है बच्चे यानी एम्ब्रियोस बाहर बनाए जाते हैं। अब मैं आपको मिसाल देती हूँ कि जो है अगर एक खातून के 10 अंडे जो है वो निकाले गए हैं और 10 एम्ब्रियो जो है बाहर बनाए गए हैं, उनको फिर स्पेशल किस्म की लैब्स के अंदर टेस्ट किया जाता है जिसको हम प्री जेनेटिक सैंपलिंग या प्री जेनेटिक टेस्टिंग कहते हैं, और फिर उनके जो है क्रोमोसोम्स और जीन्स की स्टडी की जाती है। और इस जेनेटिकल सैंपलिंग के अंदर और टेस्टिंग के अंदर स्टडी के अंदर जो XX यानी बच्चियाँ होती हैं उनके एम्ब्रियोज़ को अलग कर लिया जाता है, और जो XY यानी बेटे होते हैं उसमें से उनको अलग कर लिया जाता है। और फिर जो है वो पेरेंट्स को ये बताया जाता है कि जी अगर आपके 10 एम्ब्रियो बने हैं तो इसमें से 4 या 5 बेटियां हैं और 4 या 5 बेटे हैं। और फिर जिस तरह से जो है वो कपल की यानी मियां बीवी की माँ बाप की ख्वाहिश होती है, उस हिसाब के साथ अगर वो बच्चियों को रखना चाहते हैं तो वो एम्ब्रियो सेव कर लिए जाते हैं, और अगर वो बेटों को रखना चाहते हैं तो वो एम्ब्रियो सेव कर लिए जाते हैं, उनको प्रिजर्व कर लिया जाता है,
फ्रीज करके और बाकी जो है एम्ब्रियो डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। अब फिर उस एम्ब्रियो को वाया IVF या इक्सी माँ के जिस्म के अंदर जो है वो डाल दिया जाता है और इस तरीके इलाज के ज़रिए 100% गारंटी के साथ आपके घर बेटे या बेटी की पैदाइश हो सकती है। और वो एम्ब्रियोज जो आपके सेव कर लिए जाते हैं, फ्रीज कर लिए जाते हैं, अगर कुछ टाइम पीरियड के बाद 2 या 3 साल के बाद आप उन एम्ब्रियोज को भी अपने जो है वो पेट में खातून रखवाना चाहे और दोबारा से बच्चा पैदा करना चाहे तो ये भी मुमकिन है। तो मैं आपको बताऊं कि प्री जेनेटिक सैम्पलिंग या प्री जेनेटिक टेस्टिंग के ज़रिए वाया इक्सी या IVF आपके घर 100% गारंटी के साथ बेटे या बेटी की पैदाइश मुमकिन है। थैंक यू सो मच।